बिल्कुल 15 अगस्त में मैं ये कहूँगा कि आप तो जानते हो मेरे अंदर 150 एक्टर है, तो सभी लोग आपको किस तरह से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले मेरे खास मेरे फेवरेट जॉनी लिवर बाबा, 15 अगस्त आ रहा है, सभी हिंदुस्तानी भाइयों को बहुत बधाई हो। झंडा ऊंचा रहे हमारा। सनी देवल आए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 15 तारीख यानी कि 15 अगस्त आ चुका है। आए, ये 2.5 किलो का आते हैं, ये झंडा फहराएगा, समझा? अगर मेरे मुल्क की तरफ कोई देखेगा, यही 2.5 किलो हाथ आएगा और तुझे मार डालेगा, समझा? और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हरमन तेरे बीवी का मर्डर नहीं किया, मैं क्या गलती से मारा, पागल है क्या? नमस्ते भाभी जी, 15 अगस्त आ चुका है, आप देखना पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा लहराएगा, सब जगह। मैं तो 15 अगस्त का इंतजार भी नहीं करता, मेरे घर पे आइए, देखिए मेरे दिल में हिंदुस्तान है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो आप लोग की इच्छा है, वैसे आप तो ना ना 15 अगस्त अच्छा है, खाली 15 अगस्त, 26 जनवरी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम तभी तिरंगा उठाए। अरे तिरंगा कभी भी उठा सकते हो, क्योंकि तिरंगा देश की शान है, कभी भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों को देखता हूँ मैं, थोड़े देर के लिए तिरंगा लेकर जाते हैं लेकिन बाद में वही पड़ा रहता है। ऐसा मत करो, जहाँ तिरंगा पड़ा तुम्हें दिखाई दे उठाइएगा, सीने से लगाइए, अच्छे से रखिए। बस यही कहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। और भाई नसीर साहब भी हैं मेरे अंदर, बस यही कहूँगा कि एक तिरंगा मुझे यहाँ भी दिखाई दिया है, ये देखिए इनके यहाँ पर देखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। कि मैं भी कभी फौजी था, 6 महीने तक मैंने ट्रेनिंग किया, लेकिन कीड़ा हो सकता है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है, हर आदमी फौजी तो बनता नहीं, लेकिन मुझे आप सबके मनोरंजन का रक्षा करना था, शायद मैं इसलिए यहाँ आ गया। आपके खुशी में मुझे शामिल होना था, पल भर के लिए खुशी देना था अपने गायकी से, अपने एक्टिंग से, शायद उसके लिए मैं आ गया। मैं देश का रक्षा तो नहीं कर पाया, लेकिन किसी विधि में उन फौजियों को मनोरंजन कराता हूँ मैं, ताकि वो हमारी फौजी भाई जहाँ भी रहें, जिस बॉर्डर पर रहें, खुश रहें, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर हो, या बांग्लादेश का हो, या पाकिस्तान का हो, चाहे जिस बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई हैं, मेरी दुआ है, आप सबको सलूट है। आपसे बड़ा हीरो इस धरती पर कोई नहीं है, खेसारी लाल पर्दे का हो सकता है, आप सब रियल हीरो हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। उस माँ को प्रणाम जिस माँ के आप बेटे हैं। मैं चाहूँगा कि हजारों कोख ऐसे ही दिए की तरह जलते रहें, हजारों कोख में ऐसे ही चिराग जो बाहर आता है वो कश्मीर पे जलता रहे, और जलता रहे वो, कभी दिया बुझे ना, उस माँ का कोख कभी उजड़े ना, उस बहन का सिंदूर कभी ना उजड़े, कभी कलाई वो सुनी ना हो राखी के बिना। तो हर बहन खुशहाली मनाए, और सबसे बड़ी मैं चाहता हूँ जिन फौजी भाइयों की बहन घर पे हैं और वो बॉर्डर पे हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रूर अगर आपको लगे छुट्टी सरकार दे, और मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ उन फौजी भाइयों को एक दिन के लिए छुट्टी ज़रूर दीजिएगा, उस कलाई पर राखी बांधने के लिए, ताकि वो बहन कम से कम अपनी दुआओं में रखे और एक ताकत देकर फिर से बॉर्डर पर भेजे। तो मैं उस 15 अगस्त के लिए ढेर सारी शुभकामना, और रक्षाबंधन के लिए ढेर सारी शुभकामना आप सबको, उन बहनों को, और ढेर सारा प्यार इस भाई के तरफ से इन बहनों को। और मैं चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को भी, हर आदमी को मिलके उन फौजियों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए।